समुद्र के नीचे भी एक अलग दुनिया बसती है जो ज्यादातर लोगों को हमेशा से फैंटेसाइज करती आई है। कहते हैं समुद्र एक ऐसी चुनौती है जिसकी गहराइयों में क्या छिपा है ये आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं। और जैसे जैसे ये काम शुरू किया जा रहा है वैसे वैसे ही नई चीजें हमें समुद्र तल से मिलती रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र की तलहटी से मिली कुछ कीमती मेटल्स के बारे में बताने वाले हैं। क्या हैं वो मेटल्स और क्यों जरूरी हैं वो दुनिया के लिए, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पृथ्वी के शुरुआती दौर से लेकर अब तक जहां कभी रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंची, वहां बड़े बड़े अर्थ मूवर और खुदाई के लिए बाकी इक्विपमेंट पहुंचाने का प्लान बनाया जा रहा है, जहां पहुंचने की इंसानी कोशिश लगभग 150 साल पहले शुरू हो चुकी थी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गहरे समुद्र के तल की। दरअसल अप्रैल 2022 के पहले हफ्ते में नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड नौरू के समुद्र तल से कुछ कीमती मेटल्स मिलने की खबर आई, जिसके बाद यहां खुदाई का काम शुरू होना था। अब आपको बता दें कि समुद्र में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन पर नजर रखती है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ISA यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने अगले 15 महीनों के अंदर समुद्र की तलहटी पर किए जाने वाले सारे काम से जुड़े नियम कानून बना लेने के गोल सेट किए हैं, और इस काम के बीच में कोई रुकावट नहीं आई तो सिर्फ 12,000 की आबादी वाले पैसिफिक आइलैंड नौरू की पहल पर जुलाई 2023 तक कनाडा की द मेटल्स कंपनी को गहरे समुद्र में खुदाई का लाइसेंस मिल जाएगा। आपको बता दें कि महज 21 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया वाले छोटे से आइलैंड कंट्री नौरू को पर पर्सन रेवेन्यू के मामले में दुनिया के अमीर मुल्कों में गिना जाता रहा है। कारण यह है कि इस द्वीप के इर्द गिर्द कुछ और भी छोटे टापू हैं जो पूरी तरह पक्षियों की बीट से बने हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ की नेचुरल फर्टिलाइजर्स की मांग पूरी दुनिया में थी और यहाँ के नागरिकों के खाते में इससे काफी पैसा आ जाया करता था। लेकिन ये किस्सा धीरे धीरे कमजोर पड़ते पड़ते एक दिन खत्म हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 25-30 सालों से नौरू इंटरनेशनल फोरम्स में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ खड़े होने वाले देशों में शामिल है, क्योंकि समुद्र का ऊपर उठता हुआ जल स्तर नौरू की जमीनें निगलता जा रहा है। उसके रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि दुनिया या तो ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करके इस डिजास्टर पर लगाम लगाए या नौरू वासियों को समय से कहीं और बसाने का मैनेजमेंट करे। अब ये तो बात थी नौरू के ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चिंता की, लेकिन जैसे ही रिसर्चर्स को ये पता लगा कि नौरू के समुद्री तलहटी के अंदर कीमती मेटल्स पाए गए हैं, तब से नौरू का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग से पूरी तरह से हट गया है। ये कीमती मेटल्स हैं कोबाल्ट और निकल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ खड़े होने वाला ये देश अब समुद्र में ऐसी खुदाई करने के लिए आगे आ रहा है जिससे प्रकृति को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। माना जा रहा है कि साल 2030 से पहले ही निकल और कोबाल्ट की बड़ी खदानें बंद हो जाएंगी, जब खासकर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स और बैटरी बनाने में इनका इस्तेमाल बड़ी तेजी से होना शुरू हुआ है। तब दोनों धातुओं की, खासकर निकल की, कुछ बड़ी खदानों के साल 2030 से पहले ही बंद हो जाने की खबरें आने लगी हैं, और इंसानी जीवन में इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। वहीं इन सब के बीच नौरू जुलाई 2021 में अपने इस अजीबोगरीब प्रपोजल को लेकर आया कि उसे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट एरिया में आने वाले गहरे समुद्र की तली में खुदाई करने की इजाजत दी जाए। जबकि गहरे समुद्रों की तली के बारे में साइंटिस्ट को इतना ही पता है कि हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और क्लियर डार्कनेस में जी लेने वाले कुछ रेयर क्रिएचर्स के अलावा वहाँ हल्का पीला कीचड़ मौजूद होता है, जिसकी मोटाई को लेकर कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी कीचड़ के ऊपर किसी किसी इलाके में छोटे बड़े आलूओं जैसे शेप वाले कंकड़ नुमा चीजें, जिसे पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स कहा जाता है, मौजूद होती हैं, और इन नोड्यूल्स में जमीनी खदानों में मिलने वाली धातुएं पाई जाती हैं, और यही नोड्यूल्स नौरू की समुद्री एरिया में मिले हैं, जिसे बाहर निकालने के लिए नौरू समुद्र की तलहटी की खुदाई करने की इजाजत चाहता है। पॉलीमेटिक नोड्यूल्स के तौर पर जाने जाने वाले इन पिंडों में निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और टाइटेनियम के अलावा तांबा, जस्ता और लोहा भी पाया जाता है। इन मेटल्स में निकल और कोबाल्ट की खदानें दुनिया में गिनी चुनी ही हैं। साथ ही साथ देशों के आपसी टकराव के चलते बतौर कमोडिटी इनकी बाय सेल भी खुले बाजार की तरह नहीं हो पाती। हालांकि दुनिया भर के एनवायरमेंटलिस्ट इसे लेकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि समुद्र में रहने वाले बायोडायवर्सिटी को इस समुद्री खुदाई से काफी नुकसान होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि गहरे समुद्रों में रहने वाली स्पीशीज में से 1% को लेकर भी ठोस जानकारियां उनके पास मौजूद नहीं है। वहीं नौरू का इरादा जहां खुदाई कराने का है वो इलाका क्लैरियन क्लिपर्टन जोन CCZ यानी 45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले गहरे समुद्री दायरे में आता है। ऐसे में इस माइनिंग से पहले ये जानना जरूरी है इन विचित्र समुद्री जीवों का घर कहाँ है, उनके अंडे बच्चे कहाँ रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, बाकी समुद्री जीवों और वहाँ के एनवायरनमेंट में वे किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, समुद्री फूड चेन में उनकी जगह कहाँ बनती है, और समुद्र तल में खुदाई से निकलने वाली कीचड़ की धुंध के अलावा वहाँ मचने वाले प्रकाश और ध्वनि प्रदूषण को भी झेल पाएंगे या नहीं। इन सवालों का कोई जवाब फिलहाल उनके पास नहीं है, जिससे एनवायरनमेंट में काफी बड़ा और भयानक बदलाव आ सकता है।
एनवायरमेंटलिस्ट का दूसरा एतराज मीथेन एमिशन से जुड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये मीथेन गैस कहीं ज्यादा खतरनाक है। सागर तल के जिस पीले कीचड़ का जिक्र हमने किया है वो मीथेन को रोक कर रखने का सबसे मुफीद ठिकाना भी है। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि नौरू की चिंता अगर वाकई ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से जुड़ी है और इसके लिए वो द मेटल्स कंपनी को गहरे समुद्र में खुदाई का लाइसेंस दिलाना चाहता है तो उसे तत्काल अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए, क्योंकि इस खुदाई से जो मीथेन निकलेगी धरती के एनवायरमेंट के लिए उसका नुकसान बैटरी चालित गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड में होने वाली कटौती से कहीं ज्यादा होगा। अब बात करें निकल और कोबाल्ट की, तो क्या सच में सी माइनिंग ही अब आखिरी रास्ता बचा है? क्या वाकई दुनिया को निकल और कोबाल्ट की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि जमीन पर मौजूद खाने इसके लिए कम पड़ जाएंगी? आइए जानते हैं। अगर बाजार का रुख करें तो बात में एक हद तक सच्चाई नजर आती है। 26 अप्रैल 2022 को लंदन कमोडिटी मार्केट में निकल की ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी, क्योंकि 3 महीने आगे के लिए उसकी वायदा कीमत $1,00,000 प्रति टन के भी पार चली गई थी। भारतीय रुपए में बात करें तो 7,689 रुपया किलो। ये आंकड़ा इस मेटल की सामान्य कीमत के देखते देखते दोगुना हो जाने का किस्सा बता रहा है। जाहिर है इस अफरा तफरी का रिलेशन रूस यूक्रेन में चल रहे तनाव से भी है। आज दुनिया में निकल की सबसे बड़ी खदानें रूस में है और वहां से माल की आवक बंद है, जबकि खपत लगातार बढ़ रही है। 90% निकल अभी हाई एंड स्टील बनाने में काम आता है, जबकि 10% का इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरियों का कैथोड बनाने में होता है। अंदाजा है कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स पर ज्यादा ध्यान देने के चलते सन 2050 तक ये रेशियो बराबर बराबर का हो जाएगा। अब ये बात साफ है कि नौरू समुद्र तल से सी माइनिंग इसलिए कराना चाहता है ताकि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट हो और वो अपने देश की इकोनॉमी स्ट्रांग कर सके, और जो बातें वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए करते हैं वो सिर्फ उनके लिए बातें ही रह गई हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सी माइनिंग करना नेचर के लिए सही है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।